नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में तो आज मैं आया क्लास टेंथ का एनसीआर बुक का मैथ का 3.1 को हल करेंगे ठीक है तो पे फर्स्ट फर्स्ट सवाल सवाल ये वाला सवाल और दूसरा सवाल को दोनों सवाल को हल कर चुके अगर आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे आप वहां से दोनों सवाल को देख सकते हैं अच्छी तरह से समझाए ग्राफ विधि से भी समझाएं दोनों को हल किए हैं ठीक है तो अब आज मैं बताने वाला हूँ थ्री का ठीक है थ्री का बताएंगे तीसरा नंबर सवाल ठीक है तीसरा नंबर सवाल को बताएंगे बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे कितना सिंपल सवाल है कि दो के जी आप समझ लेते थोड़ा सा अगर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले क्योंकि आपको इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पर मिल रहा है अभी तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो के जी सेब और एक के जी अंगूर का मूल्य कितना है सिंपल तरीका है सेब मान लेंगे एक्स और अंगूर मान लेंगे वाई बराबर कितना हो जाएगा एक सौ साठ रूपया हो जाएगा उसके बाद कुछ मैं एक महीने बाद एक महीने बाद बोल रहा है कि चार के जी सेब और दो के जी अंगूर यहाँ पे हो तो जाएगा चार के जी सेब दो के जी अंगूर कितना में तीन सौ रूपया में जाता है तो स्थिति में बीज गणित जी मतलब ग्राफ विधि से हल करने भी बोल रहा है ठीक है तो उसको भी हल करके बताएंगे ग्राफ विधि से भी अगर वीडियो पर आप बने रहे आपको पूरी समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से चलिए हम लेके चलते सवाल पे तो सवाल मेरा जो है सवाल मेरा है कि माना यहाँ पे मान लेंगे ठीक है सेब और अंगूर मान लेंगे माना कि एक के जी क्या है एक के जी एक के जी सेब एक के जी सेब का मूल्य एक के जी सेब का मूल्य मान लेंगे क्या एक्स रुपया ठीक है एक्स रुपया मान लेंगे उसके बाद उसके बाद मान लेंगे अंगूर को भी मानना है तो अंगूर को भी मान लेंगे अंगूर को भी मान लेंगे तो अंगूर क्या है एक के अंगूर का मूल्य एक केजी के जी अंगूर का मूल्य अंगूर का मूल्य अंगूर का मूल्य मान लेंगे वाई रुपया ठीक है वाई रुपया मान लिए अंगूर का मूल्य उसके बाद क्या करना है? अब तो सिंपल हो गया है अब क्या बोल रहा है सिंपल सा बोल रहा है कि बोल रहे हैं कि दो के जी दो के जी बोल रहा है सेब तो मेरा सेब क्या है एक्स तो दो के जी तो दो एक्स हो जाएगा उसके बाद क्या बोल रहा है कि बोल रहे की एक के जी एक के जी अंगूर बोल रहा है एक के जी अंगूर अंगूर मेरा कितना है अंगूर क्या है वाई तो क्या हो जाएगा वाई सिर्फ बराबर कितना रुपया में एक सौ साठ में खरीदा एक सौ साठ में खरीदा है हाँ एक सौ साठ में खरीदा ये यह समीकरण फर्स्ट में हो गया कितना सिंपल है ठीक है अब समीकरण सेकेंड मतलब बाद में एक महीने बाद एक महीने बाद क्या खरीदा एक महीने बाद जो खरीदा था एक महीने बाद खरीदा था वो कि चार चार के जी सेब खरीदा था चार के जी सेब खरीदा था और दो के जी अंगूर खरीदा था दो वाई जगह जाएगा चार के जी तो चार एक्स और दो अंगूर तो दो एक्स बराबर कितना रूपये में खरीदा था तीन सौ रूपया में खरीदा था तो अब क्या करेंगे ये दोनों में कॉमन क्या होता तो है कॉमन निकालने के छोटा करने के लिए तो ये दोनों में दो मिल रहा है तो दो से अलग कर देंगे तो यहाँ तो टू एक्स हो जाएगा प्लस का प्लस यहाँ का वाई का वाई और बराबर क्या तीन सौ तो तीन तो सौ लिख देंगे उसके बाद ये दो और ये दो खत्म हो गया तो यहाँ एक सौ पचास बचा यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर टू एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो एक सौ पचास ये समीकरण सेकेंड हो गया यह समीकरण सेकेंड हो गया ठीक है फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण मेरा निकल चुका अब क्या बनाना है ग्राफ ग्राफ विधि विधि जो बनाने के लिए दो या तीन प्रकार है तो आपको सबसे सिंपल तरीका जो उसी प्रकार से हम बताएंगे ठीक है तो आप वीडियो पर बने चलिए हम अब लेते हैं ग्राफ को ठीक है ग्राफ से बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखते ग्राफ या बीज गणित है ठीक है तो ग्राफ से बनाएंगे सबसे पहले क्या लेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है समीकरण फर्स्ट मेरा निकला है टू एक्स प्लस वाई बराबर एक सौ साठ रुपया एक सौ साठ में खरीद एक सौ साठ हो गया समीकरण अब आपको सिंपल तरीका ऐसा संख्या मानना है कि ना पॉइंट में आए और ऐसा संख्या मतलब कि एक्स वाई का मान निकल जाए ठीक है तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं इधर साइड में उसी में लिखना है एक्स वाई का मान जब भी निकालना है टू पॉइंट निकालना दो पॉइंट निकालने के बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिलाने में अच्छा होगा ठीक है तो जब भी है दो पॉइंट निकालना है उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको मानेंगे अब मानेंगे क्या समीकरण फर्स्ट को तो हम लिख लिए उसके बाद यहाँ पे मानेंगे माना माना हम मान लेते वाई बराबर मान लेते वाई बराबर जीरो मान लेते ठीक है तो ये वाला क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस जीरो बराबर एक सौ साठ हो जाएगा एक सौ साठ हो गया उसके बाद क्या होगा जीरो का खत्म हो गया जीरो खत्म हो गया तो यहाँ टू एक्स बराबर एक सौ साठ हो गया और एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे एक सौ साठ और नीचे क्या है टू तो टू से भाग लगे तो एक्स बराबर मेरा क्या निकल गया एक्स बराबर मेरा निकल गया x बराबर मेरा इसको कटा देंगे तो कितना निकल गया अस्सी तो यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर हम क्या रखे तो जीरो एक्स बराबर मेरा कितना निकला अस्सी निकल गया उसका ये वाला निकल गया अब लिखते एक बार और मानना कम से कम दो पॉइंट निकालना एक पॉइंट मेरा निकल गया दूसरा पॉइंट तो दूसरा पॉइंट इसमें y को जीरो माने तो उसमें x को जीरो x तो माना, माना बराबर जीरो बराबर क्या? जीरो मान लीजिए ठीक है तो यहाँ पे पहले लिख लेते टू तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना एक सौ साठ रूपया ठीक है थीके? तो ये हो गया उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे टू गुना जीरो बराबर वाई बराबर कितना एक सौ साठ रुपया उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जीरो हो गया जीरो खत्म हो गया जीरो जीरो हो गया जीरो खत्म y बराबर क्या होगा 160 तो यहाँ पे क्या रखे कि x बराबर क्या रखे तो जीरो तो वाई कितना निकला 160 ये समीकरण फर्स्ट का निकल गया समीकरण फर्स्ट का निकल गया अब समीकरण सेकेंड का निकालेंगे समीकरण का सेकेंड का निकालते हैं कि समीकरण समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड से ठीक है समीकरण सेकंड में क्या है समीकरण सेकंड देख लेते हैं समीकरण सेकेंड यहाँ पे है मेरा यही ना समीकरण सेकेंड मेरा है कि 2x एक्स प्लस वाई बराबर एक सौ पचास टू बराबर क्या है 150 ठीक है तो इसमें भी मानना है ऐसा इसको इसमें भी मानना है तो हम बता बताते सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई का मान लिखने के लिए एक बॉक्स बना देते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे x एक बॉक्स बना लिए एक्स वाई का मान लिखा कम से कम दो पॉइंट बोले तो दो पॉइंट निकालिए तो इसमें भी मान लेना ऐसा संख्या मानना है तो हम सबसे पहले की माना माना x बराबर एक्स बराबर जीरो मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर जीरो तो दू गुना जीरो क्या होगा दू गुना एक्स जीरो और प्लस का वाई का y बराबर एक सौ पचास तो दू गुना जीरो य, और y बराबर क्या हो जाएगा एक सौ पचास एक सौ पचास हो गया तो x बराबर क्या रखे तो जीरो y बराबर क्या इतना मेरा एक सौ पचास सिंपल तरीका से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर करें और यहाँ पे ये वाला निकल के अब मान लेंगे y बराबर मान लेंगे जीरो इसमें भी मान लेंगे कि माना माना वाई बराबर जीरो ठीक है तो वाई बराबर जब जीरो मानेंगे तो इसको लिख लेते एक बार समझने में अच्छा होगा टू एक्स प्लस वाई बराबर एक सो पचास हो गया एक सो पचास हो गया तो टू एक्स प्लस जीरो बराबर एक सो पच्चास, पच्चास गया, एक्स को भाग में तो यहाँ पे एक्स बराबर मैंने निकल गया कितना निकल गया एक्स बराबर कटाएंगे सेवेंटी फाइव पचहत्तर निकल गया ठीक है यहाँ पे पचहत्तर मैंने निकल गया तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको वाई बराबर क्या रखे थे वाई बराबर जीरो तो एक्स बराबर पचहत्तर ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे निकल चुका है मेरा आपका यहाँ पे निकल चुका है अब आपको ग्राफ पे लेके चलते हैं कि किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है ठीक है तो वीडियो पर बने रहे आपको पूरी समझ में आ जाएगी चलिए हम ग्राफ पे आ आगे ग्राफ पे सबसे पहले ये इसको ऐसा खींचना है कि यहाँ पे इस तरह से खींच लेना एक आपको आपको खींच लेना है यहाँ पे ग्राफ हम खींच लेते हैं ग्राफ को खींच लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइन खींच लेना है माइनस वाला नहीं माइनस नहीं है तो माइनस वाला थोड़ा सा कम खींचेगा प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला थोड़ा सा ज्यादा खींच लेंगे उसी तरह यहां पे खींच लेते हैं खींच लिए इसको भी खींच लेते हैं यहाँ पे खींच लेते हैं उसके बाद यहाँ पे खींच लिए उसके बाद क्या करना है कि ऊपर जो है ऊपर होता, होता, होता है वाई होता है वो ऊपर और नीचे होता है वाई डैश ठीक है ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे याद रखना उसके बाद यहाँ पे क्या होगा एक्स और इधर क्या हो जाएगा ये इधर हो जाएगा एक्स डैश ठीक है डैश का मतलब ये तो इधर होगा माइनस में और ये वाई डैश के भी इधर भी होगा माइनस में तो इसको ऐसा किससे हम लेंगे जो आपको अच्छा से समझ में बन जाए ठीक है तो इसको कैसे लेंगे इसको इससे लेंगे यहाँ पे देख सकते एक सौ पचास है एक सौ पचास तो लेंगे जो कट जाए यहाँ पे यहाँ पे एक सौ पचास यहाँ एक सौ साठ तक है ठीक है इसको पचास से हम लेते हैं ठीक है तो पचास से लेते हैं या दस से लेते हैं दस से लेंगे तो आपको आपको कम से कम सोलह घर लेना पड़ेगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यहाँ पर सिक्सटीन घर तक लेना पड़ेगा तब हम मेरा दस तक जाएगा और वाई भी पचहत्तर है तो ऊपर भी बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा ऊपर देखते हैं एक्स तो मेरा पचहत्तर ही वाई मेरा बहुत बड़ा है तो पचास लेते ठीक है तो यहाँ पे पचास स्टार्ट करते पचास पचास एक सौ एक सौ के बाद कितना एक सौ पचास इसी तरह लेना है ठीक है एक सौ पचास और उसके बाद एक सौ दो सौ दो सौ तक ले लिए दो सौ तक लेने के बाद इधर भी ले लेंगे दो सौ यहाँ पे दो सौ ले लेंगे यहाँ पे पचास उसके बाद एक सौ उसके बाद एक सौ पचास उसके बाद क्या लेंगे दो सौ और नीचे भी ले लेंगे देखने में अच्छा लगे यहाँ भी ले लेंगे क्या पचास यहाँ पचास माइनस आ जाएगा भी ले लेंगे एक सौ यहाँ पे माइनस ले लेंगे देखने में अच्छा पचास यहाँ पे एक सौ ये आपको करना ये करने के बाद आपको यहाँ पे आपके, आपके अपना जो इकाले पॉइंट उसको उस पे चले जाना है उस पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स मेरा कितना है एक्स मेरा अस्सी है और वाई जीरो है तो y0 ये लाइन पे होता है y0 तो y ये वाला तो y0 जीरो x मेरा कितना 80 तो 80 किस जगह होगा 80 यहाँ पे 50 और 30 के बीच होगा इसमें घर दिया वाई ठीक है तो इसमें 80 जो है 80 मेरा यहाँ पे थ्री तो घर पे होगा इस जगह होगा ठीक है तो ये थ्री घर पे 80 होगा यहाँ पे थ्री घर पे क्योंकि अस्सी यहाँ पे थ्री घर पे हो जाएगा यहाँ पे थ्री घर पे, पे, घर पे, पे, घर पे ये वाला हो जाएगा ये वाला अस्सी तो इसको गोल करके इसका घेर लेंगे उसके बाद यहाँ पे एक्स वाला को आगे लिखना है अस्सी यहाँ लिखेंगे उसके बाद यहाँ लिखेंगे जीरो ठीक है ये लिख लेंगे ये वाला फर्स्ट हो गया और सेकेंड वाला सेकेंड वाला मेरा क्या है कि x बराबर जीरो एक्स बराबर ये लाइन पे है, जीरो वाई बराबर एक सौ साठ एक सौ साठ यहाँ पे आएगा एक सौ पचास और दस साठ एक सौ साठ यहाँ पे आएगा यहाँ पे एक सौ साठ हो गया यहाँ पे एक सौ कितना हो जाएगा साठ तो हम क्या बोले एक्स ब्लॉक आगे लिखना है एक्स ब्लॉक आगे और इसका पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लिए उसके बाद फर्स्ट समीकरण वाला को फर्स्ट समीकरण वाला को मिला देंगे ठीक है फर्स्ट समीकरण वाला क्या करेंगे मिला देते चलिए हम फर्स्ट समीकरण फर्स्ट समीकरण को मिला देते हैं समीकरण फर्स्ट वाला को मिला दे समीकरण फर्स्ट वाला को मिला देने के बाद आपको जो यहाँ पे लिख देना है आपको यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था समीकरण फर्स्ट जो था कि टू एक्स टू एक्स वाई यहाँ पे था टू एक्स प्लस वाई बराबर था एक सौ साठ ये वाला लिख लिया उसके बाद समीकरण सेकंड में जाते समीकरण सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मेरा हो चुका आप सेकंड पे जाते हैं सेकंड मेरा क्या था सेकेंड देख सकते हैं मेरा है कि एक्स तो जीरो y y तो y, y 150, X 0 और वाई जो एक्स जीरो जीरो है वाई एक सौ पचास तो यहाँ आ जाएगा वाई वाई एक सौ पचास एक्स जीरो और वाई एक सौ पचास एक सौ पचास यहाँ पे लिख करके इस तरह कर देंगे उसके बाद उसके बाद क्या है कि एक्स मेरा पचहत्तर एक्स मेरा क्या है पचहत्तर एक्स मेरा पचहत्तर यहाँ पे आ जाएगा इससे एक्स मेरा पचहत्तर आ जाएगा और y क्या है y मेरा जीरो है तो इस जगह जाएगा इस जगह और ये वाला इस जगह जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे दोनों को मिला देते हैं देखते हैं कैसा बनता है दोनों को जब मिलाएगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा देख सकते हैं किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है अब आपका यहां भी लिख देंगे समीकरण सेकेंड मेरा क्या था समीकरण सेकेंड मेरा था कि समीकरण सेकंड को भी लिख लेंगे कि समीकरण सेकेंड मेरा था इससे लिख लेंगे समीकरण सेकेंड को समीकरण सेकेंड था मेरा कि एक्स प्लस थ्री वाई बराबर ये नहीं है एक्स प्लस थ्री वाई बराबर टू आई टू वाई, वाई एक्स प्लस वाई बराबर एक सौ तो साठ ये वाला लिखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से देखने को ग्राफ मिल रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर को प्रेस करिएगा क्योंकि आपको इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मिलता रहेगा किसको क्वेश्चन कैसा आता है टेंथ में चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक लीजिये हिंद मातरम